गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। तो आज का वीडियो है, मैं ये जो अलमीरा आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत ही पुराना अलमीरा है, तो सोच रही हूँ इसको थोड़ा मेकओवर कर दूँ। इसके लिए मैंने वॉलपेपर खरीदा है। पहले सोचा था कलर करूँगी, लेकिन फिर सोचा वॉलपेपर ही अच्छा लगेगा, आजकल बहुत वैराइटीज भी है, ट्रेंड में भी है। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, वैसे वॉलपेपर मैंने अभी तक कहीं लगाया नहीं है, तो मैं इसको करूँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा हुआ। एंड प्लीज़ बताना मुझे कि अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। खराब लगे तो मैं फिर दोबारा कुछ कर दूँगी इसके ऊपर। तो मैं इसको पहले आपको अच्छे से दिखा लेती हूँ सामने से, उसके बाद साथ ही साथ मैं इसको कैसे कैसे करके मतलब वॉलपेपर इसमें लगाऊंगी या फाइनल लुक इसका क्या होगा आप लोग देखना। एंड प्लीज़ मुझे बताना अच्छा लगा या बुरा। तो अलमीरा कुछ ऐसा है, इसमें कलर थोड़ा बीच बीच में ख़राब हो गया, जैसे तो अच्छे ही है, इतना वो नहीं है, यूज़ नहीं है। मैं आप लोगों को इस अलमीरा का एज बताती हूँ, ये मोर देन 10 ईयर्स हो गया है इसको, मतलब शादी से बहुत पहले उन्होंने खरीदा था। एंड एक बार मैंने इसके बॉर्डर पे वाइट कलर किया था, लेकिन वो भी अभी थोड़ा गंदा सा हो गया है, तो इसलिए दोबारा इसको थोड़ा चेंज करने का सोच रही हूँ। बहुत गर्मी है, ये ढूंढ रही थी और मुझे ये मिल गया, बिंदी मिल गई है। हथियार यही चाहिए शायद। वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, ज़्यादा नहीं पड़ा, ये 230-235 ऐसे कुछ पड़ा था। एंड ये जो ब्लू वाला है, ये तपन ने चॉइस किया था, मैंने तो 4-5 सेलेक्ट करके रख दिया था, तो फाइनल उन्होंने पसंद किया है। तो अच्छा ही, मुझे लगा था कि पूरा गॉर्जियस कवर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ फ्रंट साइड का हुआ एंड थोड़ा सा बच गया था। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसा घर वर सजाने के लिए। तो पहले तो बहुत कुछ करती थी घर के हिसाब से, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में कि क्या क्या मैंने पहले बनाया है, लेकिन तब यूट्यूब का इतना कॉन्फिडेंट नहीं था सच्ची बोलूँ तो। एंड अभी थोड़ा सा मन किया है यूट्यूब करने के लिए, एंड शुरू कर दिया तो होता ना कि चलो इसको भी यूट्यूब कर लेते, वीडियो ऑन कर लेते, अभी थोड़ा यूज़ टू हो गई हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत कुछ वैसे बनाया भी है एंड शायद मैं फिर से बना के आपको दिखाऊंगी भी, तो अभी टाइम मिल रहा है तो बना रही हूँ। कट्टू मेरा सो रहा है, हंस भी रहे थोड़ा थोड़ा, ला ला हंस दिया। मेरी नौकर पार्टी से क्या बाबा नहाने गए हैं। एक्चुअली यहाँ बैठ के पेपर पढ़ रहे थे, यहाँ पे पेपर है, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया और वो उठ के चले गए नहाने के लिए। पार्ट होता है तो मुझे बहुत ही केयरफुल होके इसको वहाँ पे लगाना है। एक बार ही नमस्ते, अरे मैं माया कर दूँ ना तो मैं माया कर दूँ ना, ऐसे नहीं हम माया कर दूँ माया कर दूँ मैं टिकी लागी चिंता टिकी लागी चिंता दे तेली माया कर दूँ ना मेरे चार माया कर दूँ माया कर दूँ ना फ्लॉप ना करो ना जैसे ही फ्लॉप ना करो माया कर दूँ आई ना मैं माया कर दे माया कर दे आ बाबा ले अनिता यहाँ गाइस आ चिंका दे उनता ऐसे ऐसे Thank you.
बना रही हूँ तो ऐसा हो जाता है। मैं कुछ खा लूँगी। ठीक है, हमारा देखो ये ऊपर देखो यार। बाप रे, ये एक हाथ में कैमरा पकड़ के नहीं होगा, तो आप लोग दूर से देखो। मैं क्या धूप है बाहर, बेचारा प्लांट तो कभी हालत ख़राब है। तो देखो डब्बा देख के पता चलेगा आपको कि कितना नया है ये। एक्चुअली ये बहुत पहले ख़रीदा था, इससे बहुत काम वाम किया है और डब्बा बहुत ही पुराना हो गया। तो यहाँ पे वाइट कलर था, तो साइड में ना मैं दिखाऊंगी आपको, वेट करना। साइड में कलर मतलब वाल पेपर पूरा नहीं आ रहा है, तो मुझे इसमें उसमें और ये कलर है, मैं इसी को मार दूँगी साइड साइड। तो ये एक ये कंटेनर है, इसमें जितना भी काला लगाने का काम, मेहंदी का काम होता है, कलर वगैरह करना होता है, मैं इसमें करती हूँ। तो ये वाला कलर भी इसी में हो जाएगा। थोड़ा सा थिनर। मेरे पास ये छोटा वाला ब्रश ही था, तो इसी से मैंने कर दिया। बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जो गोदरेज जो मेकओवर किया है, इसमें सिर्फ वो वॉलपेपर ही मैंने ख़रीदा है। बाकी जो कलर था, थिनर था, ब्रश था, ये सारा कुछ घर पे ऑलरेडी था। मैंने इसको कपड़े से ना कॉटन से पैक करके साफ़ कर दिया था। एक्चुअली मुझे क्राफ्ट का या घर सजाने का ऐसा कुछ कुछ करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाली बैठना अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जॉब करती थी तो वो अलग बात था, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी बहुत छोटा है एंड मेरे सास ससुर परमानेंट मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए अभी आए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब करूँ एंड जो मैं घर पर ऑलरेडी करती हूँ उसी को मैं डाल दूँ, तो एक मेमोरी के हिसाब में भी रह जाएगा एंड अपना भी मन लगा रहेगा। तो मेरे घर में आपको सीमेंट थोड़े कम क्वान्टिटी में, कलर कुछ थिनर, ये सब क्राफ्ट की चीज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
हुए हैं ना। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग है ना। क्यों माने क्या कर दी, सब आका कर दी। अभी यहाँ पे चल नहीं पा रहा, पाव चिपक जाता है तो नहीं जाते। जाओ तो जा जय देव, जाओ तो जाओ तो जाओ तो। नमस्ते। काम तो कर लिया लेकिन नीचे बहुत कचरा भी कर दिया। एक्चुअली न्यूज़पेपर लगाऊंगी सोचते सोचते कलर मारना शुरू कर दिया एंड लगाना भूल गई, तो नीचे पूरा दाग लग गया। अभी मैं इसको साफ़ करूंगी एंड सबसे इजी प्रोसेस में बताती हूँ। ये केरोसिन एक है एंड जो वाइप्स अद्विक का जो वेस्टेज वाइप्स में जमा करके रखती हूँ वो है, तो केरोसिन से इसको साफ़ करूंगी और ये जल्दी चला जाएगा। कलर है गोल्डन कलर मेरे पास था, मिल गया। वैसे मैंने सोचा था कि मेरा ये अलमीरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा गोल्डन कलर भी इसमें दे दूँ। अच्छा लगेगा शायद, ये सिर्फ ट्राई कर रही हूँ मैं अभी। हाँ अच्छा लग गया ना, डार्क कलर कर देने से अच्छा लग गया इसको, मतलब थोड़ा अच्छे से कलर कर देने से अच्छा लगेगा। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। हैंडल पे मैंने पहले वाइट कलर किया था, फिर गोल्डन करने को मन किया तो फिर गोल्डन किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चेंज। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, आफ्टर बिफोर मैं आपको लास्ट में फ़ोटो डाल दूँगी, उसको देख के बताना कैसा लगा। साइड का मैंने वाइट कलर ही छोड़ दिया, उसमें वॉलपेपर नहीं लगाया क्योंकि दो साइड में नहीं आ रहा था। एंड तपन सो रहे हैं अभी टूर से आके, आपको मिरर में दिख रहा होगा। आप मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ बताना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी आपको और भी वीडियो ऐसे लेके दिखाने के लिए। सिंपल सिंपल वे में आप अपना घर को चेंज कर सकते हो, सजा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स माई वीडियो। सो सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग।